क्या आपको भी लगता है कि क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स है या फिर आपको ये लगता है कि बीसीसीआई में पॉलिटिक्स होती है? आज हम आपसे ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हनुमा बिहारी, जिनका नाम आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा, वो हाल ही में रणजी ट्रॉफी के दौरान आंध्र प्रदेश टीम की कप्तानी कर रहे थे। सीजन के पहले मैच में ही हनुमा ने इस्तीफा दे दिया। उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने शायद वर्कलोड की वजह से कैप्टेंसी छोड़ दिया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना था कि उन्हें हटाया गया है। हालांकि अब ये मामला पूरी तरीके से शांत हो चुका था। तब तक हनुमा बिहारी के एक पोस्ट ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। हनुमा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, रणजी 2023 और 2024 हमने अंत तक कड़ा संघर्ष किया, लेकिन ऐसा होना तय नहीं था। आंध्रा के साथ एक और क्वार्टर फाइनल हारने से निराश हूं। ये पोस्ट कुछ तथ्यों के बारे में है जिन्हें मैं सामने रखना चाहता हूं। बंगाल के खिलाफ पहले गेम में मैं कप्तान था। उस गेम के दौरान मैं 17वें खिलाड़ी पर चिल्लाया और उसने अपने पिता, जो एक नेता हैं, उनसे मेरी शिकायत की। बदले में उसके पिता ने एसोसिएशन से मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। हालांकि हमने पिछले साल फाइनलिस्ट बंगाल के खिलाफ 410 रन का पीछा किया था, लेकिन मुझे बिना किसी गलती के कप्तानी से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। मैंने व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन एसोसिएशन ने सोचा कि वो खिलाड़ी उस व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है जिसने पिछले साल अपना शरीर दांव पर लगा दिया और बाएं हाथ से बल्लेबाजी की। पिछले 7 वर्षों में आंध्रा को 5 बार नॉकआउट तक पहुंचाया और भारत के लिए 16 टेस्ट खेले। उस समय मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन इस सीजन में खेलना जारी रखने का एकमात्र कारण ये था कि मैं खेल और अपनी टीम का सम्मान करता हूँ। दुखद बात ये भी है कि एसोसिएशन का मानना है कि खिलाड़ी जो भी कहते हैं उन्हें सुनना पड़ता है और खिलाड़ी उनकी वजह से ही वहाँ है। मुझे अपमानित और शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैंने इसे आज तक व्यक्त नहीं किया है। मैंने फैसला किया कि मैं आंध्रा के लिए कभी नहीं खेलूंगा जहां मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। मुझे टीम से प्यार है। जिस तरह से हम हर मौसम में सहयोग के अलावा बढ़ रहे हैं वो मुझे पसंद है। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें, और यदि YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।